अरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना। तुम रुको, मैं अभी मम्मी पापा को बता के आता हूँ। अरे रुको, हमारी शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं यार, बहुत अजीब सा लगेगा। अरे इसमें अजीब क्या लगना है, भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है तो हमें इसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए ना। हाँ नहीं अरुण, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। खुशी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें ये इतनी जल्दी खुशी मिली है, वरना लोगों को ना सालों लग जाते हैं डॉक्टर के पास चक्कर लगाते लगाते, फिर भी उनको ये खुशी नसीब नहीं होती। जो भी है अभी नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम 1-2 दिन ले लो, इस बारे में अच्छे से सोचो, हम फिर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? चलो अभी जाओ काम कर लो। अरुण, मैंने सोच लिया है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। खुशी तुम क्यों जिद कर रही हो, जब ऊपर वाला हमें खुशी दे रहा है तो उसे अपनाने में क्या दिक्कत है? मैंने बोल दिया ना, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, और वैसे भी इस बात पे लड़ने का और बहस करने का अब कोई फायदा नहीं है। मतलब ये कि मैंने कल रात को ही अबॉर्शन की पिल ले ली थी। खुशी ये बच्चा हम दोनों का है, तो ये फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है बच्चे की, हम कुछ टाइम बाद या 1 साल बाद भी तो प्लान कर सकते हैं ना। जब तुमने सोच ही लिया ना तो तुमसे जिद करने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे मेरी एक बात ध्यान रखना, तुमने जो कुछ भी किया है ना बहुत गलत किया है। डॉक्टर क्या आया है रिपोर्ट में? सॉरी टू से, बट ये कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर शादी के बाद ये प्रेग्नेंट हुई थी, ये तब प्रेग्नेंट हो सकती थी तो अब क्यों नहीं? क्या हुई थी मतलब, फिर क्या किया तुम लोगों ने? वो मैं उस टाइम पे रेडी नहीं थी बच्चे के लिए, और बहुत जल्दी भी था। अब तुमने अपने खुशियों का गला खुद ही घोट दिया है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? भगवान भी खुशियाँ एक बार देता है, बार बार नहीं देता। अब तुम भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को ठुकराओगे तो इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर। अरुण मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पागलपन कर दिया अबॉर्शन की दवाई खाके। अगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हमारा भी बच्चा होता, हम भी एक अच्छे पेरेंट्स होते। पता है जब भी मैं दूसरों के बच्चे देखती हूँ ना तो मुझे कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ खालीपन लगता है मेरे अंदर, ऐसा लगता है कि मेरे भी बच्चे होने चाहिए। खुशी जब ऊपर वाला कुछ भी देना तो उसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए, अगर ऊपर वाला रूठ गया ना तो हम कितनी भी मेहनत कर लें उसका कुछ फायदा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैं वो सब नहीं करती तो आज हमारा भी बच्चा होता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुम चुप हो जाओ, हम ऐसा करेंगे ना, हम किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लेंगे और उसे हम बहुत प्यार देंगे, उसे माँ बाप की सारी खुशियाँ देंगे। उससे क्या होगा ना कि एक अनाथ बच्चे की लाइफ बन जाएगी और हमारा भी खालीपन दूर हो जाएगा।